देखो वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग मैं खुद को और ऑडियंस को देना चाहूंगा कि भैया सलमान भाई के कैरेक्टर से किसी दूसरे की फिल्म को कंपेयर करना इम्पॉसिबल है, और स्पेशली तेरे नाम जहां पे सलमान भाई खुद बन कर रहे हैं। लाइक बॉलीवुड में बहुत सारे प्रेमी हुए, मैडी हो गया हो, रांझणा हो गया हो या जॉर्डन हो गया, बट कबीर सिंह और राधे बोथ आर सेम। राधे मोहन, कबीर सिंह, निर्जला एंड प्रीति, ये चारों एक ही यूनिवर्स का हिस्सा लगते हैं। इन चारों के सोचने समझने का तरीका भी सेम है। पहले निर्जला और प्रीति को लेते हैं। एक फैमिली वाली लड़की जो बहुत ही इनोसेंट है, जिसको मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। फिर आते हैं ये दोनों, एक को एंगर इशू है तो दूसरे को गुंडागर्दी इशू है। गुंडागर्दी और एंगर इशू मैंने क्यों कहा, क्योंकि इनके जो रिलेशन स्टार्ट होता है या चलता है उसमें जो यूटर्न आता है वो इन दोनों की इसी प्रॉब्लम की वजह से आता है। प्रीति की बात कबीर सिंह गुस्से में नहीं सुनता है और उसकी वजह से प्रीति शादी कर लेती है। रही बात हमारे राधे भैया की, तो गुंडागर्दी की वजह से इनको एक दिन बाहर का बंदा घेर लेता और फिर रेलवे ट्रैक पर इन्हें मारता और इनके दिमाग की नस हिल जाती। चलो अपन बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो दोनों ही फिल्में दो अलग दशक में आई थी, एक आई थी 2003 में और दूसरी आई थी 2019 में। फिल्म में ऑडियंस का जमीन आसमान का फर्क है, बट फिर भी ये सेम ऑडियंस को टारगेट करती है। ऑडियंस कौन सी है, 15 से लेके 35 साल की जो ऑडियंस होती है, जिनकी एज होती है। कबीर सिंह का प्यार कंप्लीट हो जाता है, एंड में भी हो जाता है, बीच में भी हो जाता है, और प्रीति उसके साथ में रहती है। बट कमाल की बात यह है कि तेरे नाम में राधे भैया का प्यार कंप्लीट नहीं हो। मैंने कहा था ना ये सलमान भाई खुद इसमें सलमान भाई बने, प्रूफ यहाँ रहा। इनका प्यार कंप्लीट नहीं होता, जब इनका प्यार कंप्लीट होने जाता है, जब लड़की तैयार हो जाती कि हाँ आई एम इन लव विथ यू, तब भाई साहब को गुंडे घेर लेते और मार देते। समझ रहे हो, सलमान भाई ने इस फिल्म में वन साइडेड लव किया था। तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में टाइम किसने सबसे ज्यादा बिताया, कबीर सिंह। माँ बाप किसके हैं, कबीर सिंह। लव लाइफ किसकी कंप्लीट हुई, कबीर सिंह। अपनी बंदी से कभी भी बदतमीजी किसने नहीं करी। एग्जाम कैसा गया, अच्छे गए। दोस्तों की केयर कौन करता था, ये ले। सोशल वेलफेयर कौन करता था, आइए बैठिए। बेस्ट म्यूजिक किसका है, जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया में से सारे। दोस्त किसके अच्छे थे, एक्चुअली में राधे भाई के दोस्त अच्छे थे, बट कबीर का दोस्त शिवा बस एक ये लाइन बोलकर जीत जाता है, तेरी बहन दिव्या से शादी करेगा। बेस्ट हेयर स्टाइल किसकी थी, बेस्ट कॉमिक टाइमिंग किसकी है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का होगा, एक काम करो तुम उसको भाई बना लो। और जीतता कौन है, राधे भैया। तो दोनों ही फिल्मों के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं कि ये दोनों की दोनों रीमेक थी। अर्जुन रेड्डी की कौन थी, कबीर सिंह, और तेरे नाम थी सेतु, जो कि विक्रम एज अ मेन लीड एक्टर उसमें देखने को मिलते हैं। बट सेतु की इतनी बात कोई नहीं करता जितनी तेरे नाम की करी जाती है, क्योंकि वो फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई। और वो कल्ट क्यों बनी, जस्ट बिकॉज ऑफ भाईजान। अगर सलमान भाई इस मूवी में नहीं होते तो मैं खुद कह रहा हूँ कि ये मूवी नहीं चलती, क्योंकि इसमें जो सलमान भाई का लुक, एटीट्यूड, स्टाइल देखने को मिलता है, अरे भाई साहब पूछो ही मत। जितनी मैं कहना चाहूंगा कि इस मूवी की जितनी भी सक्सेस है उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सलमान भाई को जाता है। और रही बात इस फिल्म की, तो ये फिल्म बेस करती है आगरा में। अब मैंने देखा फिल्म की स्टार्टिंग में ही ताजमहल दिखाया, कहानी आगरा में क्यों है, तो मैंने थोड़ा सा सेंस लगा। और तुम्हें मालूम आगरा में क्यों है इसकी कहानी बेस, क्योंकि आगरा में वो दोनों ही चीजें अवेलेबल थी। पहला आता है प्यार की निशानी ताजमहल, जहाँ पे सलमान भाई को प्यार हो जाता है, और फिर आता है आगरा का पागलखाना। एक्चुअली में अब आगरा में पागलखाना नहीं है, पहले हुआ करता था, और इसीलिए इस मूवी को आगरा बेस रखा गया। और एक्चुअली में इस मूवी को पहले पता कौन डायरेक्ट करने वाला था, अनुराग कश्यप। आई डोंट नो अगर अनुराग कश्यप होते तो ये मूवी किस रास्ते पर जाती, बट अनुराग कश्यप को इस मूवी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सलमान भाई की छाती पर बाल होने की। तेरे नाम एक ऐसा सक्सेसफुल फिल्म है ये, जो बॉक्स ऑफिस पर इतनी नहीं गई, बट रिलीज होने के बाद में इतनी पॉपुलर हो गई कि सलमान भाई के हेयर स्टाइल से लेकर सब कुछ लोग कॉपी करने लग गए थे इस फिल्म का। और फिल्म कमाल की है यार, माइंड ब्लोइंग फिल्म है, और बॉलीवुड ने माइंड ब्लोइंग फिल्में बना रखी। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस तुम्हें और फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कंटेंट में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ मैं। डेली हर हफ्ते तुम्हारे लिए नई फिल्म का रिव्यू लाने के बजाय कुछ पुरानी लेजेंड फिल्मों के बारे में अपन बातचीत करेंगे, और मिलेंगे फिर किसी अगले बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो पसंद आया हो तो।